उत्तर प्रदेश का सियासी अखाड़ा हमेशा से तवज्जो का मरकज रहा है। 80 नशिस्तों वाले उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की साख दाव पर लगी हुई है। वज़ीर आज़म मोदी उत्तर प्रदेश में कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। राम मंदिर से लेकर 370, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात, 3 तलाक़, सब पर बयान आ चुके हैं। और अब उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, समाजवादी पार्टी की माफिया से मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के सरबराह ने माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ते वो घूम रहे हैं। पाकिस्तान हमारे मुल्क पर हमले करता रहा और कांग्रेस उसे क्लीन चिट देते रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खुशामद की सियासत में किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन सपा का माफिया मोह अभी खत्म नहीं हुआ है। इनके मुखिया माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ते घूम रहे हैं। साथियों, तुष्टीकरण के लोग किसी भी हद को पार कर सकते हैं। कांग्रेस और कश्मीर में अलगाववादियों की जमानत को खाद पानी देती थी। पाकिस्तान हमारे देश पर हमला करता था, कांग्रेस सरकार उसे क्लीन चिट देती थी। और साथियों, ये लोग आतंकवाद का आरोप किस पर लगाते थे? इन्होंने भगवा आतंकवाद के नाम पर एक नया झूठ गढ़ा था। और यूपी में क्या हालात थे? सपा सरकार दंगाइयों की खातिरदारी करती थी। दंगाई मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर से जाते थे और सरकार आतंकवाद के आरोपियों से मुकदमे वापस लेती थी।